देखिए बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है सॉल्यूशन में। दोस्तों आज हम मौजूद हैं सॉल्यूशन में नवरात्रि के आध्यात्मिक और वैज्ञानिक महत्व पर चर्चा करने के लिए, और उस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं निर्मला जी। निर्मला जी, आपसे जानना चाहूँगा, नवरात्रि जो है उन्हें शुद्धि का पर्व कहा जाता है, तो ऐसा क्यों है ये जानना चाहूँगा। क्योंकि शोधन क्या, जैसा कि हम अभी भी बात करते आए हैं कि हम अंतः शोधन करते हैं, है ना जी। शरीर का भी शोधन करते हैं आहार से जी, प्रार्थना करते हैं तो विचारों का मंथन और शोधन होता है, बुद्धि का शोधन होता है, दृष्टिकोण का शोधन होता है जी। और उत्सव है तो आप देखिए कि समाज का भी शोधन होता है। समाज जगह जगह आप देखिए कन्या पूजन होंगे, रामनवमी मनाई जाएगी, दुर्गाष्टमी होगी तो पाठ होंगे, तो आपका वातावरण भी शुद्ध हुआ, इसलिए अंतर शुद्धि का पर्व कहा जाएगा। अंतर के अंतर और बाहर दोनों की शुद्धि का पर्व है नवरात्रि, इतना सुंदर महत्व है उसका जी। निर्मला जी, अभी के लिए एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ी है, वेस्ट बंगाल से जूही जी हैं। जूही जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में, अपना सवाल पूछिए। सर, मैं बोल रही हूँ कि हमारा छात्रों में आगे क्या होने वाला है, आप कुछ बताइए प्लीज। नहीं, आप सवाल के रूप में पूछिए, इतना सब तो मैं नहीं बता सकती ना एक मिनट में, तो डेट ऑफ बर्थ बता के एक सवाल कोई सा भी पूछ लीजिए आप हमसे। मैम, मेरा डेट ऑफ बर्थ है 1993। और महीना मंथ और डेट? डेट है 9 जून। क्या जानना? 1996 9 जून। अच्छा ठीक है, तो हमको लगता है किसी क्रिएटिव फील्ड में जानी चाहिए आप, किसी क्रिएटिविटी के फील्ड में क्लिक करेंगी और 2 साल बाद मुझे लगता है आपका करियर शुरू हो जाएगा। और कुछ स्पेसिफिक जानना चाहती है तो पूछ लीजिए जी। निर्मला जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, नवरात्रि में आध्यात्मिक और मानसिक शक्ति प्राप्त करने के लिए क्या विधान होने चाहिए, वो जानना चाहूंगा आपसे। सारा विधान ही, चाहे आप प्रार्थना करें स्तुति में, चाहे आप मंत्र करें, चाहे आप ध्यान करें, है ना, ये सारा विधान ही आपकी स्ट्रेंथ जनरेट करने के लिए है ना जी। आपके अंतस में विश्वास आए, यकीन हो, है ना, उस एनर्जी में भी जो कि सारी जगह बिखरी पड़ी है, और उस एनर्जी को आप चैनलाइज कर रहे होते हैं, सोचिए रीशफल कर रहे होते हैं अपने अंतस में, तो उससे आप में स्ट्रेंथ आएगी, तो नवरात्रि का मतलब ही ये है जी। और निर्मला जी, विशेष फल अगर कोई प्राप्त करना चाहता है कोई व्यक्ति, तो किस तरह की शक्ति की आराधना करनी चाहिए, और या फिर कौन सी कोई विशेष आराधना हो सकती है जिससे कि उसका यकीन है। जैसे गायत्री पीठ का इंसान है जी, तो गायत्री मंत्र का संकल्प लेके वो गायत्री आराधना करेगा जी। अगर वैष्णवी मत को मानता है तो वो माँ वैष्णवी रूप में दुर्गा की आराधना करेगा, सप्तशती पढ़ेगा, जो भी उसके नियम है वो करेगा। जो रामनवमी को मानते हैं तो सुंदरकांड का पाठ या जो कुछ भी होता है रामायण का पाठ रखा जाता है, तो ये उसके अपने भाव और विश्वास है, है ना जी। उसका मेथड फरक फरक हो सकता है, पर मकसद एक ही है कि हर हाल में मैं अपने आप की स्ट्रेंथ जनरेट करूं और रिजुवेनेट हूं, नया नए ढंग से अपने आप को रिशफल करूं और इस समाज के काबिल बनाऊं, खुद को अच्छा पुरुषार्थ करूं, ये उस साधना के महत्व हैं। तो कोई मंत्रज्ञ है तो मंत्र करेगा, जिसका साधना का पथ है, जिसको तो जाना ही इस फील्ड में, तो वो तो फिर सिद्धियां प्राप्त करेगा ही, मेहनत कर करके, तप कर करके। मौन साधना होती है, हमने 35 बरस तक मौन किए हैं नवरात्रि में 9 दिन, तो ये तो आपकी अपनी भाव, अपनी श्रद्धा और अपने काम के ऊपर है जी। निर्मला जी, अभी के लिए एक और दर्शक हमारे साथ हनुमानगढ़ से जुड़ी है, फम्मा रानी जी हैं। फम्मा रानी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में, अपना सवाल पूछिए। हाँ जी, बेटी का है, बेटी पीजी में अपना क्लिनिकल लाइन में एडमिशन हो जाएगा? हाँ जी, हो जाएगा, हो जाएगा जी। निर्मला जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, जो गृहस्थ लोग अभी आपको देख रहे होंगे, जो जिनका की गृहस्थ जीवन चल रहा है, वो अपने गृहस्थ जीवन को और भी मंगलमय बनाने के लिए किस तरह की साधना करनी चाहिए, क्या विधान होना चाहिए, वो जानना चाहूंगा आपसे। सब जो भी गृहस्थ लोग हैं सब जानते हैं, वो सप्तशती पढ़ते हैं जी, माँ को खुश करने के लिए नए नए भोग लगाते हैं, कंजी का पूजन करते हैं, माता रानी की जोत जलाते हैं, रात को जागृति करते हैं, ये सब वो अपनी स्ट्रेंथ के लिए, अपने मंगल कामना के लिए ही करते हैं, तो मुझे कोई नए ढंग से बताने की जरूरत नहीं है। इनफैक्ट जो साधना करना चाहते नए बच्चे, उनको बताने की जरूरत है कि किस तरीके से करें
तो सप्शती का पढ़ना अपने आप में सफिशियंट है जी। ना सप्शती का मतलब 700 श्लोकों का पाठ है वो जी। तो वो जो है देखिए जब जो सप्शती पढ़ते हैं वो जानते हैं इतनी सुंदर है सप्शती की। जब आप पढ़ते हैं कि महिषासुर का मर्दन किया माँ ने, मधुकैटप को मारा सारे समय, तो ऐसे बहुत सारे विकार हैं हमारे। अगर इसका आध्यात्मिक महत्व जानना चाहें तो हमारे शरीर में भी अनेक अनेक ईर्ष्या, द्वेष, लोभ, मोह, इस तरीके की अशुद्धियां हैं। तो ये असुर है, तो आप इसका शोधन कर लीजिए, इसका नाश कर लीजिए। तो इसका ये आध्यात्मिक महत्व है। तो सप्शती पढ़ के आप आराधना कर सकते हैं और शुभ सोच करके आप अपने को और अपने समाज को सुंदर रचना दे सकते हैं और अच्छा आदर्श समाज बना सकते हैं जी। तो अशुद्धियाँ केवल दिखती हुई नहीं होती, अंदर में ज्यादा होती हैं, अंदर में ज्यादा दुश्मन होते, तो उस शत्रु का नाश करिए तो अपने आप शोधन होगा आपका जी। निर्मला जी, अभी के लिए एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, सीकर से महेंद्र हैं। महेंद्र जी आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में, अपना सवाल पूछिए। हाँ सर, मेरा एक सवाल है कि मेरी वो सरकारी जॉब के लिए कोर्ट में केस चल रहा है। हाँ जी हुक्म, अपना डेट ऑफ बर्थ बताएं आप। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 4 जनवरी 1971। चलेगा, 4 साल बाद वो केस जो आपका नेगोशिएट होना चाहिए। मुझे लगता है कि 2018 आखिर में वो जो केस है वो कंप्रोमाइज होके या नेगोशिएट होके ठीक हो जाएगा, ना नेगेटिव होगा ना पॉजिटिव होगा। अभी के लिए एक और दर्शक निर्मला जी हमारे साथ जुड़ी हैं, सुनीता जी हैं। सुनीता जी आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में, अपना सवाल पूछिए। नमस्कार, मुझे अपने बेटे के बारे में पूछना है। हाँ जी सुनीता जी, डेट ऑफ बर्थ उनका? हाँ, उसका डेट ऑफ बर्थ है 26/7/94 जी। सवाल पूछे, क्या जानना चाहती हैं? हाँ, उसकी शादी कब होगी? शादी होगी अगले साल अक्टूबर के बाद। अच्छा, सगाई उसकी हो जाएगी इस साल सर्दियों में। अच्छा अच्छा सर। निर्मला जी कुछ ऐसे मंत्र जानना चाहूंगा मैं आपसे जिससे कि एनर्जी को बढ़ाया जा सकता है। मंत्र, एक ही मंत्र बहुत है एनर्जी को बढ़ाने का, मैं उसको उच्चारित करती हूँ जी। माँ वैष्णवी दुर्गा माँ का लाल वस्त्रों में, अपना गोल्डन येलो वस्त्रों में ध्यान करिए। ये सम्मोहन का मंत्र, प्रभाव वृद्धि का मंत्र है जिससे कि आप इस दुनिया पे विजय पा करके और अंत में मोक्ष में लीन हो सकते हैं ना। ओम विश्वेश्वरी त्वं परिपासि विश्वं, विश्वात्मिका दार्यसीत विश्वं, विश्वेश वंदा भक्ति भवन्ति विश्वाशाय त्वय भक्ति नमः। ये विश्व मोहिनी, जगत माता, जगत जननी का मंत्र है कि वो सारे विश्व को सम्मोहित करने वाली अपनी ऊर्जा जो है उनकी अक्षय, उसमें से कुछ अंश हमको अर्पित करें ताकि हम इस काम में आने वाली ऊर्जा को चलाकर अपने पराक्रम प्रसाद से ये पदार्थ पे साम्राज्य प्राप्त कर और अंत में उनमें लीन और विश्व विजेता बन सके। बहुत सुंदर मंत्र है। अगर इस मंत्र को कोई पहले दिन से लेकर नवमी तक या पूर्णमासी तक भी 110 माला पढ़ लेगा तो उसकी जागृति हो जाएगी, उसकी जागृति हो जाएगी, उसके सातों चक्र एक लाइन में आ जाएंगे और वो सोचे परिपूर्ण जीवन जिएगा तन मन धन दिमाग आत्मा से जी। तो दोस्तों आशा करते हैं कि हमारे शो आपको बहुत पसंद आया होगा। निर्मला जी हमारे शो में आने के लिए और दर्शकों की समस्याओं का समाधान करने के लिए और नवरात्रि का आध्यात्मिक और वैज्ञानिक महत्व समझाने के लिए, हमारे जितने भी जो दर्शक अभी आपको देख रहे हैं उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। तो दर्शकों आज के हमारे इस खास शो में इतना ही। नमस्कार।